हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चांदनी के दिल से। आज मैं आपको देखिए कहाँ लेकर के जा रही हूँ। आप भी मेरे साथ आज आ जाइए मालवन बीच पर। जी हाँ, और ये देखिए कितना सुंदर रास्ता है, और यहीं से होते हुए हमें एक बहुत ही सुंदर बीच की तलाश है। और जो नज़ारे हैं, प्राकृतिक संपदाएं, जी हाँ, देखते हुए बहुत ही सुंदर लगता है। और बस ये सब देखते हुए, और न जाने कितने सारे हमने काजू के पेड़ देखे। जी हाँ, काजू के पेड़। और ये जो प्लांट्स आप लोग देख रहे हैं, जो ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देख रहे हैं, बहुत ही नेचुरल। और मंदिर, आज हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं। जिसने भी मेरा इससे पहले वाला अगर ब्लॉग देखा होगा तो जी हाँ, उन्हें अच्छे से पता चल गया होगा कि हम वहाँ पे कौन कौन से एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। तो बस हम वही एक्टिविटीज़ का मज़ा उठाने के लिए वहाँ पे पहुँचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। और अगर मैं आपको बोलूँ कि ऑफ सीज़न में हमें यहाँ पे जाना पड़ रहा है, ऑन सीजन्स में आपको बागा बीच और कैलंगेट बीच पे भी ये सारी एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि हमें एक दूसरा बीच भी एक्सप्लोर करने को मिल गया, और ये बीच भी बहुत सुंदर, बहुत साफ़ सुथरा बीच है, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और यहाँ पे बस एक ही मुझे प्रॉब्लम लगी, वो है ड्रेस चेंज करने की। उसके लिए उन्होंने अच्छी जगह नहीं बनाई हुई है, तो अगर वो सभी फैसिलिटी यहाँ पे हो जाएं तो बहुत अच्छा हो। और ये लोग हमें वीडियोस एंड जी हाँ फ़ोटोग्राफ्स ये भी हमें बना के देंगे, क्योंकि हम अपने फ़ोन और कैमरा तो यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, तो आगे देखिए कि हमने ये देखिए यहाँ पे हेमंत ने सबसे पहले, अरे यार मजा आ गया। बहुत मजा आया। क्या क्या देखने को मिला स्कूबा डाइविंग में? बच्चों के नाम नहीं पता थे मुझे। हेलो।
अभी तो मजा आया, 17 फीट अराउंड 17 फीट, 17 फीट अंदर मतलब पानी के। और हम जा रहे हैं, हम लोग टेक्निक भी बताते हैं कि आपको कैसे, प्रोफेशनल एकदम, हाँ पूरा ट्रिक और पूरी हेल्प करते हैं, मजा आता है। अभी हम देखिए किस चीज़ की तैयारी में, बनाना राइड, यस बनाना राइड क्यों बोलते हैं इसको? उस टाइम तो मुझे पता नहीं चला कि बनाना राइड एक्चुअली इसका नाम बनाना राइड क्यों रखा है। जब ये राइड हम लेकर के आए, जी हाँ सरप्राइज़ है, मगर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हुआ क्या। जब भी वो बनाना राइड पे लेके जाते हैं और लास्ट में ना जब एंडिंग होता है ना, उस टाइम पे मैं से बोल रही थी हाँ मज़ा तो आ रहा है मगर उतना कुछ खास नहीं आ रहा, और बस इतना बोलते ही उसने मुझे जो बनाना जो राइड पे हम बैठे हुए थे उसके ऊपर से उन्होंने उछाल दिया और हम पानी में गिरे। मुझे लगा एक्सीडेंटली हुआ था बट एक्चुअली में उन्होंने किया था, और मज़ा बहुत आया जी हाँ, लेकिन हमारे गॉगल्स उसमें बह गए। ये गॉगल्स मेरा ये लास्ट टाइम मैंने पहना यहाँ पे, इसके बाद वो गॉगल्स चले गए पानी में, तो समुद्र में जो चीज़ चली जाती है फिर कहाँ मिलती है, तो चली गई कोई बात नहीं। मगर हम यहाँ पे अब पैरा सेलिंग के लिए अब निकल पड़े हैं, यहाँ पे वो हमें शिप में बिठा करके लेके जाते हैं, और पैरा सेलिंग इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस रियली। जब आपको वो ऊपर लेके जाते हैं तो आपको वहाँ से जो व्यू है ना, पूरे ये समुद्र का व्यू बहुत सुंदर दिखता है। मैं तो 5 मिनट मैंने केवल व्यू को देखा है, उसका मतलब मज़ा उठाया है। और यहाँ पे हम लोग ये सोच रहे थे बैठ के कि सबसे पहले कौन जाएगा, और बस मेरा इतना पूछना ही था कि हमारे जी हाँ सक्षम, ये तो हर एक डेयरिंग चीज़ को करने में सबसे आगे रहते हैं, तो जी हाँ उन्होंने बोला कि मम्मा सबसे पहले मैं जाऊँगा, ठीक है चलो। हमें लगा कि शायद डर जाएगा, लेकिन जब उन्होंने पैरा सेलिंग को देखो, इसको ऐसे इन्होंने खोल दिया है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, कलरफुल है, और अच्छे तरीके से ये लोग ट्रेनिंग कर देते हैं, सेफ्टी का बड़ा ध्यान रखते हैं, तो हमें भी लाइफ जैकेट्स इन्होंने पहना दिए, तो मुझे लगा कि बस अभी सक्षम बैठने तो जा रहे हैं लेकिन अभी आ जाएंगे, बोलेंगे कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना, लेकिन ये बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ में यहाँ पे वो बैठ गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, और ये देखिए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बिना डरे, और ये देखिए पैरा सेलिंग का जिया लुत्फ उठाने के लिए सक्षम उड़ चुके हैं आसमान में, और देखिए किस तरह से ये धीरे धीरे करके समुद्र के बीचों बीच ले जा कर के हमें ऊपर से ना व्यू देखने का मज़ा दिलाते हैं। और फिर ये यहाँ पर और भी लोग टर्न वाइज कर रहे हैं पैरा सेलिंग, और अब जी हाँ ये है मेरी बारी, और मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था मगर मैंने सोचा जब सक्षम ने कर लिया तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, और बस बैठ गई थी। और इस तरह से हमें वो हवा के झोंकों के साथ में ऊपर उड़ गए जी हाँ, देखिए बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, मज़ा आया बहुत ज़्यादा, आसमान के ऊपरी छोर तक जा कर के, ऊपरी छोर मतलब समुद्र के बीच में जी हाँ, जहाँ आधा डर तो लगता है कि बस अगर कुछ हो गया तो सीधा पानी के अंदर, लेकिन जी हाँ लाइफ जैकेट हमने पहनी हुई थी तो सेफ्टी है, और यहाँ से काफ़ी ये ट्रेंड पीपल के बीच में हैं हम लोग, तो इतना डरने की बात नहीं थी, तो बस मैंने सोचा बेफिक्र होकर के इस समय का मज़ा उठाया जाए। और जी हाँ सबसे एक्साइटिंग मोमेंट ये है कि अब हमें ये पैरा सेलिंग कराने के बाद जो है जी हाँ, जो डर लगता है कि हम पानी में कहीं गिर ना जाएं, तो ये लोग जी हाँ उसका एक्सपीरियंस भी करा देते हैं। ये देखिए आप मुझे ये धीरे धीरे करके उतार रहे हैं नीचे, और मुझे लग रहा है कि बस मैं अब नीचे उतरने वाली हूँ, तो
बस मुझे यहाँ पे इन्होंने डिप करा दिया है, और पानी में डिप कराने में जो ऑसम फीलिंग आई है ना रियली, बहुत देर तक वो पानी में हम मस्ती करते हैं उसमें, और उसके बाद से हमें उस पानी में से निकाला जाता है। और जी हाँ, ये अगर आपको डर लगता है तो आप उन्हें बोल देंगे तो वो नहीं भी कराएंगे, डिपिंग के लोग एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। तो जी हाँ, अब मेरा ये एक्सपीरियंस जी अब ख़त्म हो रहा है, और अब मैं नीचे की तरफ, जी हाँ देखिए बहुत ही सेफली मैंने पैरासेलिंग की, एंड थैंक यू सो मच टू द पीपल जिन्होंने हेल्प किया। और ये हमारे जी हाँ मियाँ जी, अब ये हमारे जा रहे हैं ये भी करने। हे मंत अपने उनको पहनाया जा रहा है ऐसा बेल्ट, और जाएंगे पैरासेलिंग। हेमंत ने सक्षम को दोबारा पैरासेलिंग कराई है, उसका मन ही नहीं भरा, उसने बोला मुझे और करनी है, और तो वो वापस से गया है अभी करने के लिए पैरासेलिंग। वीडियोस ली स्कूबा डाइविंग की, कि सबकी एक एक उतनी मिली थी। हाँ, मच्छी आई, मच्छी मच्छी मच्छी, यस। क्या नाम है इस मछली का? वाह वाह, इतनी बड़ी, सुपर। क्या नाम है इसका? तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर ज़रूर कीजिए। पानी में वीडियोस बनाना, फ़ोटोग्राफ्स लेना बहुत मुश्किल होता है, बट जी हाँ, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे बनाना ही था। तो अगले व्लॉग में आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, एंड हिट द लाइक बटन, एंड बाय बाय, टेक केयर।